जो सर, मेरा नाम है हर्षा, आप देख रहे हैं मेरे को मेरे चैनल पे, और इस चैनल पे हम बात करते हैं कार से रिलेटेड चीज़ों की। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कार्स में तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन, हर एक अपडेट्स सबसे पहले मिले। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज के इस कार शो में हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते के कुछ इंपॉर्टेंट कार अपडेट्स की जो कि इस हफ्ते हुए हैं। तो चलिए इंट्रो देखिए। तो सबसे पहली खबर की बात कर लेते हैं। पहली खबर आ रही है होंडा की तरफ से। होंडा ने अपना वुहान का जो प्लांट है उसको रीस्टार्ट कर दिया है। अबाउट 98% ऑफ द वर्कर जो कि टोटल होते हैं अबाउट 12,000 वो वापस ज्वाइन कर लिए हैं। कंपनी 1.5 आवर एक्स्ट्रा दे रही है डेली ताकि वो अपने लॉसेस जो पिछले कुछ महीनों से हुए हैं उसको रिकवर कर ले। तो अगली खबर एक फ्रेंच कार मेकर सिट्रोएन की है जो कि इंडियन मार्केट में अपनी एंट्री को लगभग एक क्वार्टर डिले कर दिया है ड्यू टू द कोरोना वायरस पैंडेमिक। और ये गाड़ी जो है इसका नाम है सिट्रोएन C5 एयर क्रॉस, जो कि पहली सिट्रोएन की व्हीकल होगी जो कि इंडिया में लॉन्च होने वाली है। और ये गाड़ी जीप कंपस, ह्यूंडई टूसॉन और सेंटा फी के रेंज की होने वाली है। तो अगली बात करते हैं बजाज की। बजाज ने डोमिनार 400 की BS6 कंप्लायंट इंजन वाली वेरिएंट लॉन्च कर दी है। प्राइस स्टार्ट होती है 1.92 लाख से। अगर बात कर लें बजाज डोमिनार 400 की तो इसमें 373 cc का एक इंजन है सिंगल सिलेंडर का, और जो कि 39.4 bhp पावर और 35 Nm ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। अगर कुछ बात कर ले स्पेशल फीचर्स की तो ये इक्विप्ड है LED हेडलैम्प्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और डायमंड कट अलॉय व्हील्स के साथ। तो दोस्तों बात कर लेते हैं किया की तरफ से आने वाली टेलुराइड को वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड मिला है। और ये कार एक फुल साइज SUV है, अमेरिकन मार्केट में बहुत ही पॉपुलर है और आई होप इंडिया में भी हमको जल्दी ही देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं हुंडई की। हुंडई ने अपने क्लिक टू बाई प्लेटफॉर्म जो कि एक ऑनलाइन कार बाइंग प्लेटफॉर्म है जो कि जनवरी 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था मार्केट में, उसको 500 डीलरशिप तक एक्सपेंड करने का प्लान कर रहा है। अब इसमें ऑल न्यू क्रेटा और वरना दोनों इंक्लूड की जा रही हैं। तो दोस्तों अगली खबर निकल के आ रही है फोक्सवैगन की तरफ से। फोक्सवैगन ने अपनी MU और टिगुआन को इंडियन मार्केट से डिसकंटिन्यू कर दिया। टिगुआन को उसने ऑल स्पेस टिगुआन से रिप्लेस किया है और MU को कुछ नहीं किया गया है। अगर बात कर लें MU की तो MU को फोक्सवैगन ने 2016 में लॉन्च किया था इंडियन मार्केट में एज सब कॉम्पैक्ट सेडान। तो ये थी बात फोक्सवैगन की तरफ से। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते का द कार शो। आई होप आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा इस न्यूज़ शो से। तो अगर आपको पसंद आया तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये सब बोलने वाली बात वैसे नहीं होती। तो दोस्तों मिलते हैं अगले हफ्ते के द कार शो, उससे पहले भी एक वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। तो तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।